मैं पहुंच गया हूं एक जगह, ये दरबार है, बहुत पुराना राजा महाराजा का दरबार है और वहां पे एक मंदिर है। यहां से अभी इस सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जाना है। ये देखिए मस्त हरियाली है और ऊपर है दरबार और मंदिर। तो चलिए जाते हैं। ये और इतना चढ़ना बाकी, थक गए। ये देखिए हाथी की मूर्ति है, हाथी की मूर्ति के नीचे एक डॉगी सो रहा है, वो देखिए मस्त। हाँ यहाँ से और ऊपर जाना है। ये जो है ये दरबार का मुख्य द्वार है, ये दरवाजा, ये देखिए। ये अभी थोड़ा बहुत इस पे काम किया होगा बट ये पुराना दरवाजा है और ये अंदर पुराना दरबार है। बाकी और चीज हम देखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इस दरबार के बारे में सारी बात लिखी हुई है, जो ये आज से 1819 मतलब ये आज से कुछ 300 साल 300-400 साल पुराना है। ये यहाँ पे दिग्बंधन सेन नाम का राजा रहते थे, उनका दरबार था। बाद में इसमें आक्रमण हुआ और पृथ्वीनारायण शाह राजा ने इसको कब्जा किया था और यहाँ पे अंग्रेज ने भी हमला किया था ये जगह पे। तो उस टाइम पे अंग्रेज हारने के बाद यहाँ से फिर वापस लौट गए थे। तो यही चीज़ें, यहाँ पे एक मंदिर है, इस मंदिर का विशेषता मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे वंशगोपाल जो श्री कृष्ण की मूर्ति है, अंदर श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति है, इस मूर्ति कुछ साल पहले शायद 40-50 साल पहले, ये जो आप लोग देख रहे हैं मैं आप लोगों को रुके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप श्री कृष्ण की मूर्ति है जिसको ऐसे करके चेन से बांधा गया है, इसलिए कि ये जो मूर्ति है यहाँ से चल के कुछ 10 किलोमीटर गया था। अभी किसी ने चोरी करके लेके गया था या भगवान खुद चल के गए थे वो नहीं पता। उसके बाद उसको ऐसे ऐसे चेन से बांधा गया है। देखिए कृष्ण जी की मूर्ति है यहाँ पे, ये देखिए ऐसे यहाँ पे ऐसे चेन से बांधा गया है दोनों तरफ से। ये दरबार पे मुगल ने भी आक्रमण किया था, अंग्रेज ने भी किया था, सारे लोग यहाँ से हार गए थे। यहाँ पे गोरखाली सेना रहता था तभी, तो ये जगह से वो लोग हारने के बाद वापस चले गए थे। तो ये जगह है, अभी तो सारे पुराने हो चुके हैं, बहुत पुराने हो चुके हैं। तो यही चीज़ें, उस टाइम का पत्थर वगैरह अभी भी लगा हुआ है। तो बहुत शानदार जगह है, बहुत हरियाली है यहाँ पे, और चीज़ें देखेंगे हम लोग, घूमेंगे। ये दरबार का किले का वाल है, ये देखिए ऐसे पूरा राउंड वाल लगाया हुआ है और यहाँ पे देखिए कितना हाइट है, ऐसे हाइट से पूरा वाल बनाया गया है। ये देखिए ये साइड भी, और यहाँ से ये सारा नीचे का जगह दिखता है। तो दरबार यहाँ पे हुआ करता था और नीचे शायद बस्ती होता था। तो ये देखिए यही है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा उस टाइम का जेल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा है यहाँ पे, जो कैदी और कैदी वगैरह होते थे जिसको पकड़ा जाता था यहाँ पे डाला जाता था। ये अभी तो थोड़ा मिट्टी से भर गया है, वरना ये बहुत बड़ा हुआ करता था। आज से 15-16 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, तभी ये जगह बहुत नीचे बहुत गहराई हुआ करता था, अभी थोड़ा मिट्टी भर गया है। तो यहाँ पे कैदी वगैरह को डाला जाता था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मेन दरबार था, अभी तो पूरा इसका एक गिर गया था, तो फिर इसको थोड़ा बहुत संरक्षण किया गया है, तो थोड़ा बहुत बनाया भी गया है। तो ये दरबार हुआ करता था उस टाइम पे, अब तो सारे गिर चुका है। तो यही है हिसाब किताब यहाँ का।
कृष्णा जी के इस मंदिर को यहाँ पे बहुत माना जाता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, दूर दूर से आते हैं। तो यही नज़ारा है यहाँ पे, और यही है दरबार। वे थोड़ा घंटी भी बजा देते हैं। वाह मस्त है। तो थोड़ा धूप है अभी, गर्मी का टाइम है, तो फिर भी जो नीचे हमारे जगह है वहाँ से तो यह जगह काफ़ी ठंडा है, काफ़ी अच्छा है। फिर भी धूप डायरेक्ट है तो थोड़ा गर्म लग रहा है। नेपाल और इंडिया के बीच जो ये दरबार था, यहाँ से काठमांडू जो नज़दीक है यहाँ से उसका एक सीमाना दरबार होता था, तो उस टाइम पे बहुत ये एक सिक्योरिटी के हिसाब से भी यह दरबार का बहुत महत्व है। मुग़ल ने भी, मैंने आपको बता चुका हूँ, मुग़ल अंग्रेज़ भी यहाँ से आगे काठमांडू जाने की कोशिश कर रहे थे तो यहाँ से रोक दिया गया था। तो यही है इसका खूबसूरती, बाकी तो ठीक ही है। यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं भी बहुत साल पहले आया था, तो अभी तो थोड़ा ज़्यादा ही चेंज हो चुका है उस टाइम से अभी। तो थोड़ा यहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी थक गया हूँ, यहाँ पर छाँव में बैठते हैं थोड़ा आराम। अभी निकलते हैं यहाँ से, यही सब चीज़ें यहाँ का हिसाब किताब इस दरबार का। तो चलो निकलते हैं, गर्मी हो गई।